दोस्तों आप लोग तो हाल ही में सुने ही होंगे जियाकमा का कुछ सरकार विरोधी मंतव्य के लिए जियाकमा अभी निखोज है। हाँ दोस्तों, Alibaba.com के फाउंडर जियाकमा, उनका ये सरकार विरोधी का जो मंतव्य था, क्या उनको सरकार विरोधी मंतव्य के लिए पड़ा भारी? तो ये पूरा आज हम इस वीडियो में डिस्कशन करने वाले हैं। अगर आप इस चैनल में नया है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए। दोस्तों जियाकमा के बारे में बात करने से पहले हम जियाकमा के बारे में जान लेते हैं। जियाकमा एक चीन अरबपति है जो कि Alibaba ग्रुप कंपनी का चेयरपर्सन है। तो दोस्तों कभी जो Alibaba का मालिक जियाकमा एशिया के सबसे नंबर वन अरबपति के हिसाब से जाना जाते थे, उनका ये जो Alibaba दुनिया का सबसे पॉपुलर प्लेटफॉर्म तौर पे जाना जाता है। तो ऐसे क्या हुआ जियाकमा के साथ जो कि इतना बड़ा अरबपति अभी निखोज हो गए थे? तो दोस्तों Alibaba एक ऐसा कंपनी है, आप उसको साधारण भाषा में ये बोल सकते हैं, फ्लिपकार्ट और ईबे का मिश्रण वाला एक कंपनी। आपको जान के हैरान होगा ये नेट प्रॉफिट के मामले में Amazon कंपनी से भी बहुत आगे थे। Alibaba की शुरुआत 1999 में हुई थी। 20 साल के जो सफर में Alibaba बहुत ही आगे चला गया और Alibaba का बिजनेस का शुरुआत B2B सप्लाई कैटेगरी में हुआ था। दोस्तों B2B का मतलब ये होता है बिजनेस टू बिजनेस। कोई एक बिजनेस के लिए कुछ रॉ मटेरियल की जरूरत है, अगर कोई दूसरा बिजनेस अगर उसको सप्लाई करता है तो उसको B2B सप्लाई चेन बोलते हैं, और ये काम Alibaba करती थी। पहले से ये B2B से शुरू हुआ Alibaba कंपनी, उसके बाद वो B2C पे आया। B2C मतलब बिजनेस टू कस्टमर, माने जैसे हम लोग, आप लोग, नॉर्मल लोग भी जैसे Amazon और Flipkart से हम शॉपिंग कर रहे हैं, वैसे Alibaba पे हम शॉपिंग कर सकते हैं। पहले ये बिजनेस लोगों के लिए था। अगर मान के चले मुझे अगरबत्ती बनाना है, उसके लिए रॉ मटेरियल जो केमिकल, मिट्टी, बांस का पत्ता, ये सब Alibaba से हम मंगा सकते हैं, जो कि ये नॉर्मल लोग उसको नहीं जाते हैं। नॉर्मल लोग अगरबत्ती डायरेक्ट फ्लिपकार्ट और Amazon से मंगाते हैं, और उसके बाद Alibaba ने ये भी डायरेक्ट अगरबत्ती भी भेजने लगा। आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं। और उसके बाद Alibaba खाली ई कॉमर्स बिजनेस में नहीं था, उसके बाद वो हाल ही में वो अपना मीडिया कंपनी जैसे वीडियो स्ट्रीमिंग वेबसाइट, Alibaba क्लाउड, ये सब कंपनी में भी, और Alibaba हेल्थ केयर, ये सब में भी Alibaba अपना पकड़ बहुत जमा के रखा था। और Alibaba के एक कंपनी का नाम ANT ग्रुप, जो कि फोन पे, पेटीएम, हम जैसे पैसा ट्रांसफर करने के लिए यूज करते हैं, वो कंपनी भी वैसे ही काम करता था। और ये भारत में जैसे फोन पे, पेटीएम पॉपुलर है, वैसे ही चीन में ये भी बहुत पॉपुलर था और 2 बिलियन लोग उसको यूज कर रहे थे। ऐसे ही देखते देखते जियाकमा चीन के सबसे अमीरी व्यक्ति में गिना गए। 2014 तक वो चीन के सबसे अमीरी रईसों में माना जाता, लेकिन उसके बाद उनका छोटी सी गलती के वजह से उनको ये सब हाथ धोना पड़ा। 26 अक्टूबर 2020 में शंघाई में एक समिट में चीन के सरकार के अगेंस्ट में कुछ मंतव्य दिया था। ऐसा नहीं कि चीन सरकार को वो भला बुरा कहा, उन्होंने सिर्फ फाइनेंशियली रेगुलेटरी सिस्टम के बारे में कुछ मंतव्य दिया था। चीन जो बैंक में सिक्योरिटी रख के जो पैसा देते थे वो उनके बारे में बोला था, जैसे कि बैंक अगर कुछ भी अच्छा सा प्रोजेक्ट लेके आए कोई भी, उस बिना सिक्योरिटी के तौर वो कुछ भी लोन नहीं देते थे, और ऐसे तरीके से नया प्रोजेक्ट ऊपर आ नहीं पाता था। आप ये भी बोल सकते हैं नया बिजनेस डेवलप नहीं हो पाता है। जियाकमा अगर यहाँ पर भी रुक जाते थे तो भी कुछ होता, लेकिन उनका मंतव्य यहाँ पर खत्म नहीं हुआ था, उसके लिए आज उनका हालत ऐसा है। क्या कहा जियाकमा? उनका ये कहना था, उनका ये मानना था, चीन का जो फाइनेंशियली रेगुलेटरी जो काम कर रहा है वो ओल्ड ट्रेडिशनल मेथड में ही काम करता है, वो नए सोच को आगे लेने के लिए कुछ काम नहीं कर रहा है, और उनका जो स्ट्रेटेजिक होता है वो हमेशा पुराना आदम जमाने का जैसा काम होता है। बस इतना ही। इतना बोलने के बाद अगले दिन चीन सरकार के तौर से एक चिट्ठी आता है जियाकमा को, कि वो चिट्ठी में ये लिखा होता है कि आपको सरकार के साथ एक मीटिंग के लिए बुलावा है। और ये मीटिंग में क्या हुआ, क्या ऐसा हुआ जो कि आज भी किसी को भी पता नहीं, और यहाँ पर मीटिंग पे ये खत्म नहीं हो गया, और उसका इम्पैक्ट उनका जो ANT ग्रुप का जो IPO निकला उसको चाइना गवर्नमेंट ने उसको सस्पेंड कर दिया। और उनका ये भी आशा था कि उनका जो चाइनीज स्टॉक मार्केट में लिस्टिंग होने के बाद $300 बिलियन के ऊपर ये IPO निकलेगा, लेकिन उनका ये जो मंतव्य, आप सोच सकते हैं अगर कोई सरकार को इतना भी बुरा ना बोल के कोई अच्छा चीज भी बोलना चाहे, अगर भी वो सरकार का अगेंस्ट में हो तो चाइना उसका क्या करता है। मतलब अगर आप ये भी बोल सकते हैं, अगर मुकेश अंबानी
अंबानी मोदी जी को कुछ भी कहते तो मोदी उनका कंपनी को बंद कर दे। तो ये तो भारत में ऐसा अगर होता है तो ये जैकमा के साथ जो हुआ वो इसी ही तरह हुआ। खाली आईपीओ में बर्खास्त कर दिया ये नहीं, उनको बोला गया कि एएनटी ग्रुप का बिजनेस का रिस्ट्रक्चर फिर से किया जाए और एएनटी ग्रुप का जितना भी डाटा है वो सरकार को वो शेयर करना होगा। खाली इतना में खत्म नहीं हुआ, सरकार चाइना गवर्नमेंट ने अलीबाबा के ऊपर एंटी कंपटीशन प्रैक्टिस के तौर एक चार्ज लगाया। हाँ दोस्तों, एंटी कंपटीशन का चार्जेस जैकमा के ऊपर लग गया और इसके चलते ही वो अलीबाबा ग्रुप के ऊपर अपना मिशन बिठा दिए उनको जांच करने के लिए। और जांच करने के बाद अलीबाबा ग्रुप के ऊपर 2.78 बिलियन डॉलर का फाइन लगा। बस चीन सरकार का यहाँ पर रुक जाना इतना ही नहीं, वो अलीबाबा एप्लीकेशन को भी हटा दिया जिसका यूजर 400 बिलियन से भी ज्यादा थे। अगर आप ये बोलेंगे ये सब झूठ है, ये झूठ भी पूरा झूठ भी नहीं है। जो भी अलीबाबा के साथ बिजनेस करना चाहता था वो उसी वेंडर के साथ एक एग्रीमेंट करता था कि आप ये चीज और किसी भी साइट में भेज नहीं पाएंगे। और ये एंटी कंपटीशन चार्जेस इसलिए लगा कि अलीबाबा अपने मार्केट के ऊपर मोनोपोली कर रहे थे और ये सब एग्रीमेंट लिखा के ये सब मोनोपोली कर रहा था। जब तक चीन गवर्नमेंट के साथ उसका अच्छा संबंध था तब तक अलीबाबा फाउंडर जैकमा के साथ ऐसा कुछ हुआ नहीं था। जो ये चीन के अगेंस्ट में जो फाइनेंशियली एडवाइजर को लेके जो मंतव्य दे दिए उसके बाद ये सब अलीबाबा को झेलना पड़ा। अगर देखा जाए तो जैकमा का जो इमेज है वो चीन के बाहर चीन के प्रेसिडेंट से भी ज्यादा था और ये बात श्री जिनपिंग को हजम नहीं हुआ। उनका ये मानना था कि अगर अलीबाबा को यहाँ पर रोका ना जाए चीन सरकार बाहर में बेइज्जत हो सकता है, तो इसी के तौर अलीबाबा को रोकना पड़ेगा। और इसके साथ साथ अलीबाबा का बहुत सारा मीडिया कंपनी भी था और मीडिया कंपनी ही एक लोगों का इमेज बनाता है, तो इसके चलते ही चीन सरकार ने ये सब सोचना शुरू कर दिया और ये चलते चलते अलीबाबा 344 मिलियन डॉलर नुकसान सहना पड़ा। अगर ये देखा जाए इतना बड़ा अमाउंट दुनिया का सबसे बड़ा लॉस में रिकॉर्ड हो गया। और उसके बाद ये एक चीज देखने को मिला, अलीबाबा और अलीबाबा के फाउंडर जैकमा अचानक से गायब हो गए। जैसे टीवी में, सोशल मीडिया में, पब्लिक इन्फ्लुएंसर्स में, कोई भी मीटिंग में अलीबाबा के फाउंडर जैकमा को देखने को नहीं मिला और 2 महीने तक जैकमा गायब रहे। उनका ये जो 2 महीना गायब होना, बहुत सारे लोगों ने बहुत सारे बात बोले कि अलीबाबा फाउंडर शायद जैकमा को होम अरेस्ट कर दिया गया, शायद जैकमा अभी अरेस्ट हो गए। और ये भी सुनने को मिला है सरकार उनको किडनैप कर दिया है। कोई कोई ये भी बोलते थे कि सरकार ने उनको जेल में मार दिया। तो दोस्तों आगे जैकमा का फ्यूचर क्या होगा तो ये समय ही बताएगा, लेकिन जैकमा का इस तरह जो डूबना चाइनीज इतिहास में बहुत ही बड़ा सबक सब लोग के लिए है कि सरकार के खिलाफ अगर कोई भी आदमी चीन में जाता है तो उसका हालत क्या होता है। तो दोस्तों हम लोग भारत में बहुत सारे पार्टी माने सरकार को भला बुरा तो बोलती है, वो तो बात अलग है, लेकिन उनको विरोध करने के लिए वो देश के अगेंस्ट में चले जाते हैं। तो दोस्तों आप सोचिए भारत में हम लोग को कितना आज़ादी है, क्या ये सब भारत में होता कभी? जैकमा अगर भारत में होते तो कभी जैकमा के साथ ऐसा होता? तो दोस्तों आप लोग का राय क्या है, आप अपना राय कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर कीजिए। और अगर आप इस चैनल में नया है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बेल आइकन पर जरूर दबाइए, ऐसी नया नया वीडियो आपको नोटिफिकेशन मिलता ही रहेगा। धन्यवाद।